नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि क्रिएशन में। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे पास ये जो बेकार पड़ी हुई पट्टियाँ होती हैं कतरन की, उनका रीयूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो रेक्टेंगल पीस, वो सॉरी दो मैंने स्क्वायर पीस लिए हैं और फोर मैंने रेक्टेंगल पीस लिए हैं। तो यहाँ मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। जो मैंने स्क्वायर पीस लिए हैं उनका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। जो भी पहले मैं इनको बराबर कर लेती हूँ, जो ये छोटे बड़े पीसेज हैं इनको हम इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें एक बराबर पीसेस मिल जाएंगे। अब मैं आपको इनका मेज़रमेंट बताती हूँ। ये हमारे 9x9 इंच के दोनों पीस हैं, यानी इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही 9x9 इंच की है। अब जो हमारे ये रेक्टेंगल पीस हैं, जो कि मैंने फोर पीस लिए हैं, इनकी लेंथ हमें रखनी है 9 इंच, उसके बराबर ही रखनी है। और विड्थ हम इसकी कम कर सकते हैं। तो विड्थ इसकी मैंने ली है 4 इंच और लेंथ इसकी 9 इंच है। तो ये चारों पीस का एक ही मेज़रमेंट रहेगा। देखिए, इसकी जो विड्थ है वो 4 इंच है। अब यहाँ पर हमें कुछ इनको इस तरीके से सेट करने हैं। ये जो कंट्रास्ट फैब्रिक है उसके साथ हमें ये रेड कलर का लेना है। जो हमारा ब्लैक वाला फैब्रिक है उसके साथ रेड कलर का रखेंगे, और जो हमारा रेड कलर वाला फैब्रिक है उसके साथ हमें ब्लैक कलर को अटैच करना है। तो इनको ये हमें कुछ एक ही पैटर्न में स्टिच करने हैं। तो देखिए, इस तरह से दोनों पैटर्न हम तैयार कर लेंगे। दोनों पीस एक ही पैटर्न में तैयार करने हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया यहाँ पे। अब हमको इनको इसके साथ इस तरीके से स्टिच करना है। देखिए, इसको मैंने इस तरीके से रखा, इसके ऊपर हम दूसरा पीस रखेंगे और बीच में इसके स्टिच लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें इस तरीके से स्टिच लगा दी। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। इसका मेज़रमेंट है 14.5x15 इंच। आप चाहें तो 15x15 इंच, अगर जो है आपके पास ज़्यादा अच्छी बात है, वरना एक बराबर रख सकते हैं, यानी कि 14.5x14.5 इंच। अब मैंने यहाँ पर एक ही ओल्ड शर्ट ली है जो कि बच्चे की है, और इसको मैंने नीचे से इसकी स्टिचिंग रिमूव कर दी है। और अब हम इसको लगभग 15 इंच, मैंने यहाँ पे 14.5 इंच पे कट किया है क्योंकि मेरा पीस इतना ही बड़ा है। तो इसको इसके हिसाब से हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कट कर दिया है। अब देखिए, इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसको हम मेज़रमेंट करेंगे जो हमने पीस तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग। तो उसको मैंने इस तरीके से रखा और अभी इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। पहले जो इसकी बटन है इनको क्लोज करेंगे। यहाँ मैंने बटन बंद कर दिए और अब इसको हम रखेंगे इस तरीके से इसकी स्टिचिंग, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे जा रही है। अभी हमको इसको कट करना होगा। तो अभी पहले हम इसको मेज़रमेंट कर लेते हैं इसके हिसाब से ये कितना बड़ा हो रहा है। तो यहाँ मैंने इसको सीधा किया। सीधा करने के बाद इसको हम उस वाले पीस को रख के देखेंगे इसके ऊपर। और इसको हमें ये जो साइड है इसके वो कट कर लेने हैं। तो दोनों साइड हमें कट करने हैं। यहाँ पर हम दोनों साइड को कट कर लेंगे इस तरीके से। दोनों ही साइड पे कटिंग लगा दी है। अब देखिए, इसको मैंने इस तरीके से रखा। इसके ऊपर हम जो हमारा तैयार पीस है, जो हमने पैटर्न तैयार किया है, उसको रखेंगे। और अब इसके ऊपर जो हमारा बटन वाला पीस है उसको रखेंगे और इसे हम चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है इसमें। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके जो रफ एजेस हैं, जो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है, उसको हम कट कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। तो ये हमें चारों तरफ से कट कर देना है। देखिए, मैंने इस तरह से इसको कट कर दिया है। जो भी जितना जहाँ पर भी एक्स्ट्रा है वो हमें कट कर देना है। हमने इसको इस तरफ चारों तरफ से कट कर दिया। जो भी जितना बचता है वो सारा हमें कट कर देना है।
ये देखिए हमारी कटिंग हो गई। अब इसको हम बटन से ओपन करेंगे और सीधा कर लेंगे। तो इसको चारों कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ हमें सीधा कर लेना है। तो इसको हम सीधा करेंगे, इस तरीके से हमने इसको सीधा किया। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये कुशन कवर बनके तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें आपको कुशन भी डाल के दिखाया है। बटन से इसको क्लोज कर देंगे तो हमारा प्यारा सा एक कुशन कवर बनके तैयार है। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।